परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया ने जो श्री मुखवाक साहिब जिया की बख्शिश कीती है उस हुक्मनामा साहिब जिया दे आपा अखरी अर्थ सरवण करिए विचार की आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया के चरणों विच हाजरी दवाते हुए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए कोई भी रसना वांझी ना रहे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि असी इस चैनल ते जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जिया की बख्शिश करते हैं उस हुक्मनामा साहिब जिया के अखरी अर्थ हर रोज़ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी की कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हैं। आओ अज सतगुरु जी साढ़े ते की रहमत कर रहे ने साढ़े ते की बख्शिश कर रहे ने सरवण करिए। तोड़ी महला पंजवा अज दा मुख वाक शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिया वालों ये शब्द उचारण किया होया जो कि राग तोड़ी विच है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया विच ये पावन पवित्र शब्द 711 अंग ते सुभाए मान है। हर बिसरत सदा खुआरी धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे भाई परमात्मा दे नाम नूं भुल के परमात्मा वाहिगुरु जिया नूं विसर के हर एक मनुख की बेइज्जती हुंदी है खुआरी हुंदी है बेपती हुंदी है। इज्जत उदों ही है जदों इंसान वाहिगुरु जी नूं हर समय याद रखे उदी ए लोक विच भी इज्जत हुंदी है ते परलोक विच भी इज्जत हुंदी है। पर जेड़ा परमात्मा नूं भुल जांदा जेड़ा वाहिगुरु जी दे नाम नूं भुल जांदा हर विसरत सदा खुआरी वो हमेशा चोटा ही खांदा दुखी ही हुंदा है। ताको धोखा कहां व्यापे जाको ओट तुहारी रहाओ। महाराज कहंदे ताको धोखा कहां व्यापे जाको ओट तुहारी ए परमात्मा वाहिगुरु जी जिस मनुख नूं तुहाडी ओट है जिन्हों तुहाडा आसरा हो गया उन्हों ए संसार विच धोखा नहीं लग सकता। माया दे किसे विकार वलों भी वह ठगिया नहीं जा सकता जिन्हों तुहाडी ओट है। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजाई। बिन सिमरन जो जीवन बलना बलना तो भाव है गुजारना सर्प जैसे अरजाई अरजाई तो भाव है उम्र सर्प तो भाव है सप। महाराज कहंदे परमात्मा दा नाम सिमरन तो बिना जितनी भी इंसान दी जिंदगी गुजरती है ओ इउं ही है जिवें सप अपनी उम्र गुजारदा है। आप जी नूं पता है वी सप दी उम्र बहुत लंबी हुंदी है पर लंबी उम्र नूं की करना ओ जहर ही वंडदा है उहदे मन विच जहर ही रहिंदी है
महाराज कहिंदे मनमुख इंसान भी इउं ही है जिहड़ा परमात्मा दा सिमरन नहीं करदा वाहिगुरु जी नूं याद नहीं करदा उहदी उम्र जिन्नी मर्जी लंबी हो जाए पर उह सदा अपने अंदर जहर पैदा करदा है। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। नव खंडन को राज कमावे जेड़ा सिमरन नहीं करदा वाहिगुरु जी नूं याद नहीं करदा महाराज कहिंदे सारी धरती दा भी राजा हो जाए पूरी धरती ते भी राज करी जावे अंत चले गोहारी। आखिरकार जदों वह मनुख की मौत होंदी है महाराज कहिंदे वह बाजी हार के ही जांदा। बाणी विच महाराज ने इउं भी आख्या जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोई। भाई तेरा नौ खंडा विच नाम भी हो जाए सारी दुनिया जिधर तू जाए तेरे नाल चले पर एक गल याद रखी जे तिस नजर ना आवई तां बात ना पूछे के जे ओदी नजर विच नहीं आया जे वाहिगुरु जी नूं चंगा नहीं लग्या तू अपने जीवन दी बाजी हार के चलिया जाएगा। ताही महाराज कहिंदे नव खंडन को राज कमावे इंसान पूरी धरती दा राज कर ले पूरी धरती ते राज कमावे अंत चले गोहारी। आखिरकार ओ मनुखा जीवन दी बाजी हार के चलिया जांदा है। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए गुणा दे खजाने हरी दे गुण उस मनुख ने ही गाए हन ओही वाहिगुरु जी दे गुण गाउंदा है जाको कृपा तारी जेदे उत्ते परमात्मा वाहिगुरु जी अपनी कृपा कर देवे जेदे उत्ते परमात्मा वाहिगुरु जी दी रहमत हो जावे ओही इंसान वाहिगुरु जियां दे गुण गाउंदा है। सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। सो सुखिया महाराज कहिंदे ओ मनुख दा जीवन सदा ही सुखी रहिंदा है धन उस जन्मा उस दी जिंदगी भी धन है उस दी जिंदगी भी मुबारक है। नानक तिस बलिहारी ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ओ मनुख तो मैं सदा ही कुर्बान जांदा हाँ ओ मनुख तो सदा ही सदके जांदा हाँ। किहड़े मनुख तो जेड़ा मनुख अकाल पुरख वाहिगुरु जिया दे गुण गाउंदा है जेड़ा मनुख अठे पहर वाहिगुरु जी नूं याद रख करदा है महाराज कहिंदे सो सुखिया ओही ए धरती ते सुखी है धन उस जन्मा ओदा ही जन्म धन है ओदा ए संसार ते जन्म लैके आए दा समा सफल है। नानक तिस बलिहारी महाराज कहिंदे मैं ओदे तो कुर्बान जांदा हाँ सदके जांदा हाँ। महाराज कहिंदे भाई ओही सुखी रह सकदा जेड़ा वाहिगुरु जी नूं याद करदा हर के नाम बिना दुख पावे परमात्मा नूं भुल के हरी नूं भुल के इंसान दुखां दा भागीदार बनदा है। हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना छूटै नहि कोई गुर इहो भेद बतावे। हरी दे नाम तों बिना किसी दा भी छुटकारा नहीं हो सकदा परमात्मा दे नाम तो बिना इंसान विकारां तो नहीं बच सकता माया दे मोह तो नहीं बच सकता। ये भेद मैनू गुरु साहब ने दसिया गुर इहो भेद बतावे जदों आप जी गुरु की हजूरी विच आओगे ये भेद सानू सतगुरु जी समझाउणगे ये समझ सानू सतगुरु जी दसणगे भाई परमात्मा की भगती करिया कर वाहिगुरु जी नूं याद करिया कर जिन्हां ने वाहिगुरु जिया नूं याद कीता उन्हां दा अंदर रज गया वह अंदरों संतोखी हो गए। जिहड़ा इंसान संतोखी हो गया असल विच वह राजा है
ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਵਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।